कोहली बस से उतरते समय गिरी महिला, मौके पर हुई मौत। सिली से इमलिया निमंत्रण करने जा रही थी महिला, हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया पवई सलेहा मार्ग में जाम, थाना प्रभारी की समझाइश के बाद खुला जाम। गुनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया भटवा में दर्दनाक हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार महिला विनोद कुमारी उम्र 48 वर्ष निवासी सिली गुनौर से निमंत्रण के लिए इमलिया पन्ना ट्रांसपोर्ट कोहली बस से जा रही थी। तभी ग्राम इमलिया आ जाने पर बस रोकने के लिए कहा गया, बस से महिला उतर नहीं पाई और बस चालक ने लापरवाही पूर्वक बस स्पीड में आगे की तरफ चला दी। उतर रही महिला का संतुलन बिगड़ जाने से महिला रोड पर गिर गई। वहां पर उपस्थित ग्रामीणों ने देखा तो महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। गुस्साए ग्रामीणों ने पवई सलेहा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे गुनौर थाना प्रभारी सुनील कुमार ने ग्रामीणों को समझाइश के बाद सलेहा पवई मार्ग को खुलवाया। शव का पीएम करने के लिए गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना यात्रियों की सुरक्षा के प्रति एक बार फिर सवाल खड़ा करती है, जिसके मद्देनजर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बस आ रही थी, उसी बस पे बहुत ही आवाज आई है, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो गाड़ी इसने रोकी नहीं, जैसा फिसल गई गाड़ी, गाड़ी आगे रुकी। कौन सी गाड़ी थी? पन्ना ट्रांसपोर्ट कोहली नंबर। तो उसके बाद फिर आप क्या हुआ, गाड़ी रुकी नहीं तो कैसे क्या करना हुई? गाड़ी चल दिया, फिर लोग बाग दौड़े दौड़े देखा देखा तो वो आधे घंटा सांस चलती रही, उसके बाद में वो मृतक हो गई। कहाँ की रहने वाली है मृतक? ये दतुना की रहने वाली है, निमंत्रण आई थी।